बिना गारंटी मिलेगा लाखों का लोन, सबऑर्डिनेट ऋण योजना के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने का काम जारी। किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए लोन की जरूरत होना लाजमी है, लेकिन बैंक से बिना गारंटी के लोन मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर अब सरकार सबऑर्डिनेट ऋण योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत आप लाखों का लोन बिना गारंटी के ले सकते हैं। आपको बता दें कि सबऑर्डिनेट ऋण असुरक्षित यानी बिना गारंटी के मिलने वाला कर्ज होता है। अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त देवेंद्र कुमार सिंह ने डून एंड ब्रेडशीट इंडिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा कि आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे एमएसएमई के लिए सबऑर्डिनेट ऋण योजना के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने का काम जारी है। एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत पैकेज का फायदा मिलना शुरू, 75,400 करोड़ रुपए का लोन हुआ मंजूर। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार की ECLGS के तहत अब तक 75,000 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया जा चुका है। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत 33,894.86 करोड़ रुपए का लोन वितरित भी किया जा चुका है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि इस योजना के तहत अब तक कुल 75,426.39 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 32,894.86 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के 12 और निजी क्षेत्र के 16 बैंकों के आंकड़े शामिल हैं। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक 42,739.12 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से 22,197.54 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों ने 32,687.27 करोड़ रुपए मंजूर किए, जबकि अब तक 10,697.33 करोड़ रुपए वितरित किए गए। SBI रिसर्च के मुताबिक 1 मार्च 2020 तक MSME सेक्टर पर लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 2019 में चीन ने भारत को बेचा 1.4 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान। भारत के स्मार्टफोन मार्केट पर चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। 2018 में भारत के करीब 60% स्मार्टफोन बाजार पर चीन की कंपनियों का हिस्सा था, जो कि 2019 में 71% हो गया और 2020 की पहली तिमाही में ये हिस्सेदारी बढ़कर 81% हो गई। अगर चीन से भारत में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात को देखें तो ये पता चलता है कि 2019 में चीन ने भारत को करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचे हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि चीन के लिए भारत कितना बड़ा बाजार है। भारत चीन विवाद के चलते चीनी मूल की कंपनी के 460 करोड़ के ऑर्डर पर मंडराया संकट। गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद होने के बाद से देशवासियों में चीन के प्रति काफी गुस्सा है। लोकल स्तर पर चीन के सामान के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। इसी बीच केंद्र और राज्य सरकारें भी चीन को आर्थिक झटके दे रही हैं और अब केंद्र सरकार की कंपनी EESL ने चीनी मूल की एक कंपनी को दिए गए करीब 20 लाख स्मार्ट मीटर के ऑर्डर को होल्ड पर डाल दिया है। भारत के GDP में इस साल भारी गिरावट का अनुमान, कोरोना का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने न सिर्फ लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि देश की आर्थिक तेजी पर भी इसका असर पड़ा है। सोमवार को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में 3.1% की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया। एजेंसी ने भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक स्थितियों में बदलाव आने की भी आशंका व्यक्त की। इससे पहले मूडीज ने अप्रैल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 2020 में 0.2% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था। अब एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी के असर को लेकर अपने अनुमान में संशोधन किया है। हालांकि मूडीज का मानना है कि इसके बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी और 6.9% की दर से वृद्धि दर्ज कर सकेगी। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।